वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए जी। हजरत साहब को एक बहुत सलाम, आप दोनों को अल्लाह ताला जजाए खैर दे। हजरत आप लोगों का सेट भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत चेंज लग रहा है, और आप दोनों को इन दोनों चीजों की बहुत बहुत मुबारक हो। हजरत मसला मेरा नहीं, मेरी दोस्त का है। मेरे दोस्त के वालिद का इंतकाल हुआ था 94 साल की उम्र में, और उनकी वालदा जो है वो तकरीबन 80 है। उनको किसी ने कहा कि 60 साल के बाद औरतों की जो है औरतों पर इद्दत लाजिम नहीं होती है, तो उन्होंने अपना पूरा टाइम पीरियड आराम से गुजारा, बाहर भी जाती थी, उन्होंने कोई इद्दत का वो नहीं किया। अब जो है वो कहती हैं कि अब उनको पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर इसके बारे में तालीम फरमा दीजिए और बताइए कि अब वो क्या करें। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, और आपने हमें मुबारकबाद दी है नए सेट पर भी, और दूसरी चीज़ों पे हम भी खैर मुबारकबाद कहते हैं और आपको जो दुआ देते हैं। और बाकी जो उन्होंने जो ये गलती की है, बिल्कुल ये सही है कि उनको इद्दत करनी थी, क्योंकि वो इद्दत करना लाजिम है कि इद्दत वफात जो है वो कम उम्र औरत हो या ज़्यादा हो, हर हाल में उस पर वाजिब है। और उन्होंने चूँकि नहीं की तो ये वाजिब को उन्होंने तर्क किया, ये गुनाह कबीरा हुआ। यार इसके लिए उनको तौबा करने की ज़रूरत है। दो रकात नमाज तौबा रोज़ाना पढ़ा करें और कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, जब तक उनके दिल को तसल्ली ना हो जाए कि अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया होगा और काफ़ी हद तक मैंने अल्लाह से मांग लिया है और पनाह मांग ली है, उस वक़्त तक वो तौबा करती रहें और इस्तिग़फ़ार करती रहें। दो रकात नमाज तौबा के बाद 500 मरतबा कम से कम अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैही पढ़ा करें, और अल्लाह से जो है वो माफ़ी मांगे, क्योंकि बहुत बड़ा गुनाह है। क्योंकि इद्दत ना गुजारना, जो शरायत जो है शरीयत ने लिखी है, बहिश्ती ज़ेवर वगैरह के अंदर सब मसाइल लिखे हुए हैं, तो उसके मुताबिक ना गुजारना ये गुनाह कबीरा है, लिहाजा उससे वो तौबा तायब हों। बहुत शुक्रिया।